महाराज एनआरसी होने नहीं चाहिए। इस सिलसिले में ज्वाइंट फोरम अगेंस्ट एनआरसी की तरफ से यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है बहुत अफसोसनाक पहलू है, और दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है ये प्लान्ड वे में हो रहा है। जिस तरह से 2002 में गुजरात में हुआ था, आज हम देख रहे हैं वही चीज़ जो है, ये कोशिश चल रही है दिल्ली में करने की, और इसमें पुलिस उनका साथ दे रही है। और इससे ज़्यादा ख़राब बात नहीं हो सकता कि जिस तरह से 2002 में पुलिस ने दंगाइयों का साथ दिया था, आज दिल्ली में भी हम वही देख रहे हैं कि वहाँ भी दंगाइयों का साथ दिल्ली पुलिस दे रही है। और इसमें वहाँ की जो होम मिनिस्टर हमारे जो हिंदुस्तान की है, जिनके अंदर में दिल्ली पुलिस आती है, उसका सबसे अहम रोल होना चाहिए। उनको फौरन इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, दिल्ली पुलिस से, चीफ कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात करनी चाहिए और इसे रोकना चाहिए किसी भी तरह। हम देख रहे हैं कि वो टारगेटेड अटैक्स हैं, जितने भी मुस्लिम घर में खास करके ये लोग अटैक कर रहे हैं। हमने ये भी देखा है फोटोग्राफ्स जो हमारे पास आए हैं कि वहाँ पे कुछ घर को आइडेंटिफाई कर दिया गया है कि उसके ऊपर अटैक नहीं किया जाए। हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ दुकानें इस तरह से हैं कि जो गैर मुस्लिम दुकानें हैं उनके ऊपर अटैक नहीं हुआ, और मुस्लिम दुकान उसी के बीच में है, बीचे बीच में उसके ऊपर अटैक हुआ। हमने ये भी देखा कि मज़ार के को जला दिया गया। हमने ये भी देखा कि एक टायर का पूरा जो है मार्केट जो है, जो मुसलमान जिस पे ज़्यादातर दुकानें हैं, उसको जला दिया गया है। तो ये पूरा टारगेटेड अटैक्स है, पूरा समझ में आ रहा है कि ये प्लान्ड वे में पूरी तरह प्लान करके किया गया है। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो हमें समझ में आ रहा है, जिस तरह से कल अवाम को वरगला रहे थे बीजेपी के जो मिनिस्टर कपिल मिश्रा हैं, ये इनका सबसे बड़ा रोल है। हम डिमांड करते हैं कि कपिल मिश्रा को फौरन अरेस्ट किया जाए। अरविंद केजरीवाल साहब को रिसेंटली दिल्ली ने बहुत शानदार तरीके से जीत दिलाई है। हम अफसोस करते हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब ने अभी तक बहुत कोई खास ठोस कदम अभी तक नहीं लिया है, सिवाय ये कि वो अमित शाह से जाके मुलाकात की उन्होंने आज सुबह। उन्हें कुछ करना चाहिए फौरन, या एलजी को घेराव करना चाहिए, या फिर अमित शाह जी के घर को घेराव करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए। उनके पास बहुत बड़ी तादाद एमएलएज की है, उन सबों को लेके वो रास्ते पर उतर सकते हैं। वो पीस कायम करने के लिए खुद वारदात की जगह में पहुंच सकते हैं, पहुंच के वहां पीस का इंतजाम कर सकते हैं। मगर अफसोस है कि अरविंद केजरीवाल साहब भी ये नहीं कर रहे हैं। तो आखिर क्या माजरा है ये पूरा देश ये सवाल पूछना चाहता है अरविंद केजरीवाल साहब से भी और अमित शाह साहब से भी कि आखिर ये मामला क्या है। एक तरफ तो ट्रंप आए हुए हैं, जितने भी नेशनल मीडियाज हैं वो लोग जो हैं इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और सिर्फ ट्रंप को दिखाया जा रहा है कि हमारे देश में पोटस जो हैं वो मौजूद हैं, पोटस के किस तरह से स्वागत की जा रही है, लाखों करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं उनके ऊपर। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान का एसेट के ऊपर बर्बाद किया जा रहा है, हिंदुस्तान की एक कौम को टारगेट की जा रही है, जो बहुत अहम रोल, एक बड़ी माइनॉरिटी जो कौम है उसको, उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है। तो आखिर क्या माजरा है ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह जी के ऊपर और हमारे केजरीवाल जी के ऊपर भी, कि वो भी इसके ऊपर कोई खास कदम अभी तक नहीं उठा पाए। एनआरसी सीए और एनपीआर आप देख रहे हैं पिछले 2.5 महीने से ये जो है प्रोटेस्ट वगैरह पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, और आपने भी देखा होगा, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि बहुत पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। कहीं भी कोई भी इस तरह के वारदात जो है एनआरसी और एनपीआर का लेके, आज हजारों लाखों की तादाद में हमारी बहनें पूरे हिंदुस्तान में दीगर इलाकों में बैठी हुई हैं, कहीं भी आपने नहीं देखा कि कुछ इस तरह से दंगा हो रहा है या कुछ मतलब कोई परेशानी हो रही है या किसी रास्ते को रोक के किसी को परेशान किया जा रहा है। जितने भी इसका विरोध हो रहा है बहुत पीसफुल तरीके से हो रहा है। तो आखिर ये दंगा कैसे हो गया, इसको पूरे प्लान्ड वे में जो एनआरसी के जो फेवर के लोग हैं वो लोग आए हैं, प्लान कर आए हैं कि इसके अगेंस्ट में जो लोग एजिटेशन कर रहे हैं उनके ऊपर अटैक करने के प्लान से बोला है। मेरा नाम मंजर जमील, मैं कलकत्ते में हूँ और ज्वाइंट फोरम अगेंस्ट एनआरसी के साथ मिला हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ। ये बीजेपी ये पॉलिटिकल विंग है आरएसएस की, और आरएसएस का ये 100 साल एजेंडा है जो वो कॉपी कर रहे हैं नाजी हिटलर को, और नाजी हिटलर ने जिस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ला के ज्यूज को अपने ही जर्मन से दरबदर किया था, इनका ये एक बहुत पुराना मंसूबा है, ताकि वो पार्टीशन के बाद जो उनका अधूरा, वो ये चाह रहे थे कि मुल्क का बंटवारा तो हो गया, फिजिकल लैंड का बंटवारा हो गया, लेकिन आबादी मुकम्मल ट्रांसफ़र नहीं हुई, तो ये उनको दिल में हमेशा ये चुभता रहा। हालांकि ये बात ये नहीं थी, मुस्लिम्स जो आज हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो बाई चॉइस रह रहे हैं, हम लोगों ने इस मुल्क की में जन्म लिया, हमारे आबाओ अजदाद ने जन्म लिया था, और हम लोग इस धरती को अपनाए हुए थे, हमारे पुरखों का खून इस धरती में है, और इसलिए हमको इससे मोहब्बत थी। आज हमें इसको मज़हब के बुनियाद पे शहरियत को तकसीम करने का जो मंसूबा एनआरसी के ज़रिया
बनाया गया है इसके लिए इन लोगों ने ये किया, ताकि एक तरह से देखिए इसका बहुत बड़ा ये है, ये लोग डिसएनफ्रेंचाइज करना चाहते हैं मुसलमानों की एक कसीर तादाद को, आबादी को डिसएनफ्रेंचाइज करके ये अपना वोट बैंक को, जो कि 10% को अगर वो लोग हटा दें, डिसएनफ्रेंचाइज कर दें, तो फिर वो मुल्क में अपनी हुकूमत को परपेचुएट कर सकेंगे, हमेशा रह सकेंगे। ये इनका लार्जर स्कीम है, और इस लार्जर स्कीम को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये जो अपना स्कीम लाया है एनआरसी सीए। और अफसोस की बात क्या है, एनआरसी के बाद जब आसाम में इसका ये बूमरांग कर गया और हिंदुओं की अक्सरियत जब इसमें शामिल हो गई और इतना एहतजाज हुआ, जब मशरकी हिंदुस्तान में, ईस्टर्न हिंदुस्तान में उन लोगों ने, तो अब उसके लिए रोकने के लिए, इसका सद्दबाब करने के लिए उन्होंने सीए को लाया। सीए जो लाया ये हमारे सेकुलरिज्म पे एक बहुत बड़ा हमला था। दिस इज एन असॉल्ट ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे बुनियादी जो वैल्यूज हैं उस पे असॉल्ट था। और इसके लिए हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई, सभी जो है इसके खिलाफ उठ खड़े हुए, और नतीजा ये हुआ कि हुकूमत बैकफुट में चली गई। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, इसलिए कि एक तहरीक जो चली, एक ऑर्गेनिक मूवमेंट हो गया जो तमाम दुनिया में फैल गया, पूरे मुल्क के तूल अरज में फैल गया ये तहरीक, हजारों शाहीन बाग जन्म ले ली, और इसके नतीजे में हुकूमत को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या किया जाए। नतीजतन हुकूमत जो है ट्रंप से सर्टिफिकेट भले ले ले हमारी रिच विरासत का, लेकिन अगर अपने ही आदमी को, अपने ही लोगों को अगर इस तरह से तफरीक करे, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड मीडिया में इसका बहुत बुरा इमेज बन रहा था। इसलिए अभी इसको रोकने के लिए इन्होंने अपने जरगे का इस्तेमाल किया, और आरएसएस के कैडर जो है इस तरह निकल के दिल्ली में जिस तरह प्रोग्राम किया था, इन्होंने एथनिक क्लेंजिंग किया था गुजरात में, उसी तर्ज पे उन्होंने दिल्ली में भी शुरू किया, सिलेक्टिव तरीके से घर अमलाक को नुकसान पहुंचाया, घरों को, गाड़ियों को और कारोबार को सिलेक्टिव तरीके से नुकसान पहुंचाया, और ताकि इससे अपना ये लोग पोलराइजेशन कर सकें और अपना कंसोलिडेशन कर सकें, यही इनका वाहिद मकसद है। और हम इसकी, इस बात की खबर हुकूमत को बहुत पहले से थी, इसलिए कि वीडियोज आ चुके थे, कपिल मिश्रा के बयानात आ रहे थे, दूसरे तमाम और छोटे छोटे लीडरान जो हैं उनके उनके बयानात आ रहे थे कि वो लोग मुश्तैल हैं, वो लोग तशद्दुद पे उभर रहे हैं, और वो लोग इस तरह से इन्होंने, और सबसे शर्मनाक बात यह है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन खामोश रहा, हमारी पुलिस जो है उनके साथ शरीक रही, दे आर कम्प्लिसिट इन दिस क्राइम एंड वी कंडेम इट लाइक एनीथिंग। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि आज केजरीवाल जो मुसलमानों के 12% वोट से जीत कर आए, उन्हों वो खामोश रहे, दो दिन तक खामोश तमाशाई बने, देखते रहे, कोई प्रोएक्टिव मेजर उन्होंने नहीं लिया, जिसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। उनको चाहिए ये था कि वो सिर्फ ये कि अपनी बेचारगी का इजहार करें कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पुलिस इंतजामिया मेरे हाथ में नहीं है, तो यह इंतहाई गलत बात है। बहसियत चीफ मिनिस्टर वो बहुत कुछ कर सकते थे, वो हॉटलाइन बना करके लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात कर सकते थे, कमिश्नर पुलिस को एक्टिव रोल प्ले करने के लिए कर सकते थे, वो अपने तमाम एमएलए के साथ और कारकुनों के साथ सड़कों पे उतर आ सकते थे, और जाए वारदात पे पहुंच के पीस मिसाइल निकाल करके, जुलूस निकाल करके लोगों को समझाने की कोशिश करते, लेकिन वो बैठे रहे। दैट शो दैट इज अ हाईली कंडेमनेबल एक्ट ऑन हिज पार्ट, एंड आई डिस्पाइज इट लाइक एनीथिंग विथ ऑल माई ये एट माई डिस्पोजल। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं, और हम चाहते हैं कि अभी भी वक्त है कि वो फौरन हालात को संभालें, और मैं अपने होम मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा कि सही राम राज वही होता है जहां राम का इंसाफ हो। ये जो वो कर रहे हैं कि कौमों को मजहब की बुनियाद पे तफरीक कर रहे हैं, इसको बंद करें। मुल्क का एक अक्सरियती जो अक्लियत है, उसको जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं उसको बंद करें,
वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, मुल्क की सालमियत खतरे में पड़ जाएगी, ये मुल्क के लिए माशी तौर पे भी मुल्क बहुत पीछे चढ़ा जाएगा। मुल्क का अगर 15-20% आबादी अगर माशी तौर पे पीछे रह जाता है तो इट विल हैव अ लैगिंग इफेक्ट ऑन द इकॉनमी। ऐसे ही इकॉनमिक डेवलपमेंट हमारा बहुत पीछे पड़ गया है। मैं ये चाहता हूँ, मैं गुजारिश करूँगा हमारे प्राइम मिनिस्टर से, हमारे होम मिनिस्टर से कि इस चीज़ को वो फौरन अभी इसको रोकने की कोशिश करें और ये इंतज़ाम करें कि इस तरह के और वारदात और कहीं नहीं हों, मुल्क के किसी दूसरी जगह में नहीं हों।